संबल जनपद के चंदोसी तहसील में आज व्यापारिक संगठनों द्वारा बाजार बंद का आह्वान पूर्ण रूप से सफल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकवादियों के द्वारा किए गए हमले में शहीद हुए 44 सैनिकों के दुख में क्रोध से भरे हुए विभिन्न मुस्लिम संगठनों, हिंदू जागरण मंच एवं अधिवक्ता संगठन ने आज सामूहिक रूप से बाजार बंद का आह्वान किया था, जो कि पूर्ण रूप से सफल रहा। इस मौके पर व्यापारियों ने कहा कि अब वक्त आ गया है, सरकार को पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। भारत के पास जो भी मिसाइलें हैं, जैसे कि अग्नि, आकाश, ब्रह्मास, ये हथियार 26 जनवरी और 15 अगस्त पर परेड में शामिल करने के लिए ही है या फिर मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इस देश की महिलाओं ने वीर दिए जब भी देश को आवश्यकता हुई है। जो हमारे वीर शहीदों पर हमला हुआ था, जो कायरता हमला हुआ था, उसके विरोध में हमने कल पाकिस्तान का पुतला भी फूंका था और आतंकवाद का पुतला भी फूंका था। और आज जैसे कि पूरा भारत बंद है, तो हम लोगों ने भी पूरे भारत बंद में मुहिम को साथ दिया है। और आप देख सकते हैं आज पूरा जो एरिया है सब बंद है, और ये एकता दिखाने का समय है और सब लोगों ने एकता दिखाई है। और मैं भारत के प्रधानमंत्री से यही कहना चाहूँगा कि इस वक्त यहाँ पर सारी पार्टियों से भी यही कहना चाहूँगा कि उनकी विचारधारा अपनी अलग हो सकती है, लेकिन जब जब हमारे देश की बात आएगी, सैनिकों के ऊपर बात आएगी, हमारे देश पे बात आएगी, तो हम सब लोग एक लाइन में खड़े होंगे अपने देश के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में होगा, पहले हिंदुस्तानी हमारा हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान पे कोई बात आएगी तो हम एक पक्ष में खड़े होंगे। और मैं देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आप हमला कीजिए, हम आपके साथ हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये सही अजगर जो गधे बेच के अपनी रोटियां खा रहा है, भारत माता के आगे कुछ भी नहीं है। भारतीय बहुत भारतीय युवा ये 2 सेकंड में इसे इसका नक्शा खत्म कर देंगे, इसके नक्शे से पता नहीं भारत सरकार इतनी देर क्यों लगा रही है। तो मेरी भारत सरकार से विनती है कि अब तक तो इनके लॉन्चिंग पैड्स पे आतंकवादियों के गढ़ों को देश नबूद कर देना चाहिए हमारी मिसाइलों के द्वारा अपनी सीमा के रहते अंदर। ये ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि मिसाइल, आकाश मिसाइल किस दिन काम आएंगी? क्या 26 जनवरी की परेड में दिखाने के लिए है? ये 100 पीस कब काम आएंगे? अब तक तो पाकिस्तान को उड़ा देना चाहिए था। पहला तो पुलिस छूट कह दिया, अब तक तो कह दो मारो सालों को, पाकिस्तान के नक्शा खत्म करो। मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सैनिक सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अगर भारतीय सेना को पैसे की कमी है तो ये व्यापारी भामाशाह, इसने हमेशा जब जब देश में संकट आया है, इसकी औरतों ने अपना सोना चांदी दान में दे दिया है, व्यापारियों ने अपना धन दे दिया है। अगर धन की कमी है तो हम व्यापारी तैयार हैं पूरी तरीके से। हुआ है क्या है मामला? ये जो पुलवामा क्षेत्र में आतंकवादी घटना घटित हुई और हमारे देश के वीर सैनिकों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई, आज चंदोसी का बाजार उन वीरगति प्राप्त सैनिकों को श्रद्धांजलि देने हेतु आज चंदोसी के व्यापारियों ने, चंदोसी के नागरिकों ने, जो देशभक्त नागरिक है, उन्होंने स्वतः श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये बाजार चंदोसी का बंद रखा है। और ये बताया है कि शहीदों के परिवार के संग हम कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हैं। वो अपनी संवेदनाएं चंदोसी का व्यापारी और चंदोसी के नागरिक आज उनके साथ प्रकट कर रहे हैं। हमारी जो संवेदनाएं उनके साथ है, वास्तव में आज पूरे देश में, युवाओं में, क्या पूरे नागरिकों में ऐसा खून खोल रहा है, जबरदस्त उबाल आया है इससे। और भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल नेस्त नाबूद कर दिया जाए, अपनी जगह से सबक सिखाए जाए। इसकी नापाक इरादे को हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना तो चंदोसी की जनता बर्दाश्त करेगी और ना ही हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त करेगी। व्यापारी साथ पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादियों द्वारा ये जो घटना की गई है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और जो शहीद मारे गए उनके एक एक बूंद का बदला लेना चाहिए। और मोदी जी ने जैसे कहा था 56 इंच का एक सीना है और उनका एक एक सैनिक की है ना मौत का बदला लेंगे, तो आज ये समय है, संपूर्ण राष्ट्र उसके ओर देख रहा है। आप चलिए और उनके पाकिस्तान के सबूत करिए, हम सब उनके साथ चलेंगे यहाँ से करने के लिए। हिंदुस्तान की 1.25 करोड़ जनता उनके साथ है। हिंदुस्तान के हम बहुत दूर निंदा करते हैं और विश्व में मांग उठाते हैं कि पाकिस्तान को इससे बेदखल किया जाए, सारी चीज़ों, सारी सुविधाओं से। और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से कहते हैं, अगर आपका 56 इंच का सीना वास्तव में है
तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक ना करे, कोई किसी तरह से हमारे पाकिस्तान में अटैक करे, पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दे इस चीज़ के लिए, विश्व जैसे पाकिस्तान का नाम और निशान मिटा दे। अगर वास्तव में सपने का जीना है, एक के बदले 10 सिर लाने का वादा हुआ था, कहाँ है वो 10 सिर? हमारे 40 जवान मारे जाते हैं और हिंदुस्तान चुपचाप बैठा हुआ है। इस वजह से करतारपुर हिंदुस्तान के लिए कुछ बात नहीं हो सकती। पाकिस्तान का तुरंत अटैक होना चाहिए, पूरी जनता पूरी आवाम पाकिस्तान हिंदुस्तान के मोदी जी के साथ में।